इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट पी मोड मीन्स प्रोग्राम मोड। ये हमारा फोर्थ एपिसोड है इस सीरीज का जो है कैमरा सीरीज पार्ट 4। प्रोग्राम मोड में कुछ खास नहीं होता है बेसिकली। अगर आपको एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में कभी आपने सुना हो या मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में देखा हो कुछ, मैंने और भी वीडियोस में बताया है, अगर नहीं देखा तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो मैं आगे वाली वीडियोस में इसे क्लियर करूँगा। बट मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, इसमें एक्सपोजर ट्रायंगल में तीन एलिमेंट आते हैं हमारे, शटर, अपर्चर और ISO। तो हर मोड में अपना एक एलिमेंट कवर होता है। प्रोग्राम मोड ISO मोड की तरह हम कह सकते हैं उसे, बिकॉज़ यहाँ पर हम लाइटनिंग के साथ ऊपर नीचे करते हैं। अपर्चर और शटर स्पीड कैमरा खुद मैनेज करता है, जबकि आपकी वीडियोस का लेवल बिल्कुल एक्स, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डार्क शो हो रहा तो ये आपकी मदद करता है। आप वहाँ पे अपना एक्सपोजर सेट कर सकते हैं खुद अपनी मर्जी से, अपने ISO को जो डिजिटल लाइट होती है उसे अपना सेट कर सकते हो और उसी के हिसाब से शटर स्पीड और अपर्चर मैनेज हो जाता है। इससे अच्छा तो आप फोटो पे फोटोज़ क्लिक कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उसमें कुछ आपके पास है ही नहीं, जहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ जहाँ पे आपको पता शटर स्पीड आपके हाथ में नहीं है, आपकी इमेजेस में बस लाइट प्रॉपर आ रही है, ये है। तो ये ऑटो तो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ऑटो, बिकॉज ऑटो में आपके पास बहुत सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, आप थोड़ा सा ब्लर भी कर सकते हो, आपको फिल्टर्स मिलते हैं जो इस मोड में बिल्कुल नहीं है। तो जो भी है, इस वीडियो में कुछ खास बताने को था नहीं, बट ये एक लास्ट मोड रह गया था। कैमरे में और भी बहुत सारे मोड्स आते हैं, बट मैं हर मोड को कवर नहीं कर सकता, बिकॉज हर कैमरे में अलग मोड दिखता है, उनके डायल्स में अलग अलग शो होते हैं। ये चार मोड होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, इसीलिए मैंने इन चारों को ही कवर किया है। इन फ्यूचर ऐसा कोई मोड मुझे दिखता है तो मैं बिल्कुल कवर कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के शेयर करें और देखते रहें आगे आने वाली वीडियोज़ को।